नमस्कार, करियर गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट्स चल रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहला स्टेटस चेक करने की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी सारी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो साइट है जो यहाँ पे आप चेक करते थे, यहाँ पे स्कॉलरशिप स्टेटस बाय बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद, तो ये अभी अंडर मेंटेनेंस में है। तो अभी मैं कल शाम को भी ओपन किया था, तो कभी कभी ओपन हो रही थी, कभी कभी नहीं ओपन हो रही थी। तो मैं अभी वो जो है यहाँ ओपन करके मैं सोचा कि देखूँ क्या स्टेटस चल रहे हैं। तो यहाँ पे नो योर पेमेंट्स फंक्शनली अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है और ये कब सही होगा, तो हम सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि ये मैं ओपन किया हूँ डायरेक्टली, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुद भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट जो सामने क्लिक हियर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्वर वन और सर्वर टू रहता था, तो दोस्तों जो सर्वर सेकेंड्स वाली लिंक जो थी वो बहुत अब बिल्कुल वहां से हट गई है, वो उन्होंने उसको उसमें जो है अपडेट करना बंद कर दिया है, तो इस वजह से हमने उस लिंक को हटा दी है। तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक हियर वाली जो लिंक है वहां पे है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेगा नो योर पेमेंट्स फंक्शनली अंडर मेंटेनेंस, आप खुद अपने में खोल के देख लीजिए, हो सकता है कहीं की खुल भी रही हो। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए, हो सकता है अभी ये कुछ घंटों या कुछ समय बाद ये मेंटेन हो जाए साइट और आपका जो है फिर से पेमेंट्स दिखाने लगे। तो ये मैं सोचा कि आपको वीडियो बना के बताए जो है बता दी जाए। और आपको स्टेटस चेक करना है तो जो साइट पे आई सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम पे, आपको पता है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं। उसके बाद यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या तो आपको नहीं पता कैसे आना है लिंक के थ्रू, तो यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए सरकारी जॉब फाइंड, SARKARIJOBFIND। उसके बाद वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी, सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम। तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस और यूपी स्टेटस बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इस पेज को ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे मिल जाएगा चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट सभी के लिए के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लिंक आपको आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जो अभी यहाँ पे बार बार मेंटेनेंस में लिख रहा है। तो आगे बात करते हैं क्या स्कॉलरशिप के क्या अपडेट्स चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्कॉलरशिप अभी लोगों को आ रही है, बिल्कुल आ रही है, धीरे धीरे सबकी आ रही है। और यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का मानना है या उनका कहना है, तो धीरे धीरे स्कॉलरशिप सबकी आ रही है। और ओबीसी के स्टूडेंट को जो फीस वापसी नहीं हो रही है, तो उनकी भी फीस वापसी होगी, जो धीरे धीरे वहां से उनकी तरफ से जारी किया जा रहा है पैसा। तो जिन जिन स्टूडेंट की फीस वापसी हो गई है स्कॉलरशिप के साथ साथ, उनको बहुत अच्छी बात है। जिनकी नहीं हुई उनकी भी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो नियमित रूप से अपडेट रहे और अपना स्टेटस चेक करते रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जनरल और एससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यदि स्कॉलरशिप आई है और फीस वापस नहीं हुई है, उनकी भी हो जाएगी, वो भी अपडेट रहे और जो है उनकी भी फीस वापसी हो जाएगी। तो ये सारे अपडेट्स चल रहे हैं। उसके बाद क्या स्कॉलरशिप अभी PFMS पे, यहाँ पे जो नो योर पेमेंट्स इज फंक्शनली, तो इसको आप देखते रहे। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, तो ये वाली आपको फिर से एक बार अपनी देख लीजिएगा, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपडेट निकल के आए हैं। जो आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2018-19 करेंगे, तो जो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो चेक करते थे, मतलब कि जो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए चेक करना होता था, तो मैं डायरेक्टली इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो ये वाला चेक स्टेटस प्री मैट्रिक, चेक स्टेटस प्री मैट्रिक रिन्यूअल, चेक स्टेटस पोस्ट मैट्रिक, ये वाला जो भी उसके सामने एक बार अपना फिर से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं देखा अभी दो तीन लोगों का चेक किया, तो जिनका पेंडिंग वगैरह था उनको सब कुछ क्लियर दिखा रहा है और फिर से यहाँ पे अपडेट हुआ है। और जिनकी जो है स्कॉलरशिप आ गई है, तो किसी किसी स्टूडेंट्स की इसमें यहाँ भी दिखा रहा है कि इसमें भी दिखाने लगा है कि इतनी स्कॉलरशिप जो है आ गई है बैंक अकाउंट्स में। तो आप इसको भी चेक करते रहे नियमित रूप से। और ये वाला जो मैंने बताया था आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको भी चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट्स हो रहे हैं। क्योंकि जो स्कॉलरशिप आपके खाते में पहुंच जाती है, तो यहाँ इन्हें भी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल साइट पे भी अब यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, तो यहाँ भी अब आपको दिखा देगा। और बहुत सारे लोगों का जो रिजेक्टेड और पेंडिंग था, तो यहाँ पे चेक करने पे उनका अब जो है अधिकारियों की तरफ से उनका जो है रिकमेंड हो गया है और उनकी स्कॉलरशिप आनी बिल्कुल तय है। तो आप भी यहाँ पे भी चेक करें, इसके लिंक जो है डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ साथ आप क्या करें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर उधर के फॉर्म में मत फंसिए, बिल्कुल आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आप स्टेटस वगैरह चेक करते रहें, अपडेट रहें और परेशान मत रहें, स्कॉलरशिप आएगी। और यही सब बातें थी इस वीडियो में। मुझे
लग रहा है कि आप सब कुछ समझ रहे हैं गए होंगे। कोई और कमेंट्स में सवाल है तो कमेंट्स में आप डालिए, मैं एक पोल दे दूंगा कम्युनिटी में कि स्कॉलरशिप के क्या अपडेट्स हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर, तो आप जो है वहाँ पे पोल भी करके अपनी राय दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वेबसाइट को sarkarijobfind.com को देख सकते हैं नियमित रूप से वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए, और यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी रिजल्ट सबमिट कार्ड वगैरह आते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो फिर मिलते हैं।